तिरुपति बालाजी अर्थात तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में जानते हैं? अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन करो। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी का ये मंदिर तिरुपति तिरुमला के सातवीं पहाड़ी पर स्थित है। ये मंदिर हिंदू धर्म का तीर्थ स्थलों में से एक है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। समुद्र तल से 3,200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ी में बना तिरुपति बालाजी मंदिर सबसे बड़ा आकर्षक स्थान है। कई शतमान पूर्व बना ये मंदिर दक्षिण भारत का वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। तमिल के शुरुआदित साहित्य के संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंकदम कहा गया है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकार में मतभेद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि प्राचीन शताब्दी से पहले प्रमुख धार्मिक केंद्र में यह स्थापित हो चुका था। कहा जाता है चोल, वैसल और विजयनगर के आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान था। दोस्तों, इस तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में एक अनुसूधि इस प्रकार है। तिरुपति बालाजी अर्थात वेंकटेश्वर स्वामी को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। यहाँ माना जाता है कि भगवान विष्णु कुछ समय तक पुष्करणी नामक तालाब के पास निवास किया करते थे। ये तालाब अब तिरुपति बालाजी के मंदिर के पास स्थित है। जब आप तिरुपति जाओगे तो इस तालाब का दर्शन ज़रूर करना। तिरुमला तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियों को सप्तगिरि कहते हैं। यहाँ तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ा दूसरी अनुसूधि इस प्रकार है। 11वीं शताब्दी में संत रामानुजाचार्य तिरुपति तिरुमला के इस सातवीं पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। प्रभु वेंकटेश्वर को तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु वेंकटेश्वर स्वामी ने संत रामानुजाचार्य को आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद 120 वर्ष के आयु तक जीवित रहे थे और जगह जगह घूमकर प्रभु श्री वेंकटेश्वर की ख्याति फैलाई। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर लोग तिरुमला तिरुपति के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर आने के बाद भक्तों की सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यता और पुराण ये कहते हैं कि यहाँ आने के बाद व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के इतिहास को। इस श्रीनिवास वेंकटेश्वर मंदिर के इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने तिरुपति बालाजी मंदिर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। परंतु 15वीं सदी तक विजयनगर वंश के शासक के पश्चात इस मंदिर की ख्याति सीमित रही। 15वीं सदी के बाद प्रभु तिरुपति बालाजी मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। 1843 से 1933 तक अंग्रेज शासक के अंतर्गत इस तिरुपति बालाजी का प्रबंधन हाथीराम जी मठ के संत के हाथों में दे दिया था। 1933 ईस्वी में मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति अर्थात तिरुपति तिरुमला देवस्थानम TTD का स्थापना करके मंदिर की सारी जवाबदारी TTD ट्रस्ट को दे दी। दोस्तों, मान्यता है कि तिरुमला तिरुपति बालाजी अपनी पति पद्मावती के साथ निवास करते हैं। तिरुपति बालाजी की कथा आपको पता नहीं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। मैं जब भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूं तो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गोविंदा गोविंदा।